हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? तो आज हम फिर से आ गए हैं एक बार नया ब्लॉग लेके आपके लिए। तो ये हम बना रहे हैं आज एक नई खास डिश, और ये है सुहालू प्लस भटूरू। तो इसको मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाया है। आटा मैंने गुना हुआ था और उसमें मैंने ईस्ट डाला और सिर्फ उसको थोड़ी देर रख दिया। तो ये देखिए, ये जो मैंने अभी दिखाया ये था भटूरू, और ये जो दूसरी साइड रखा हुआ है इसमें मैंने घी लगा दिया है। तो ये बन गया है भटूरू। तो ये खाना वगैरह ब्रेकफास्ट सवेरे प्रियंका ने बना लिया, तैयार कर लिया, और मम्मी पापा चले गए हैं खेतों में, तो अब हम भी उनको खाना लेकर जा रहे हैं, और बाकी हेल्प भी हो जाती है खेतों वगैरह में। तो जा रहे हैं अब हम पुराने घर, तो मिलते हैं वहीं पे। तो कौन है? सूट मुझे बड़ा बहुत पसंद आया। हेलो, ठीक है? बढ़िया। एक निकला है दिमाग क्या है? हाली नहीं, हाली नहीं, नहीं हाली छोड़ी नहीं आई। ठीक है तू? अरे इधर हाली क्या कमा? कुछ भी नहीं, नया ताजा। पियो रे जी, अपना सूट दस दे मुझे यूट्यूब पर जे। हाय या पियो, हाल जे जी। तो ये अभी लगे हुए हैं खेतों के काम पे, और हम यहाँ पे पहुंच गए हैं खेतों में ही। और जो ब्रेकफास्ट वगैरह लाया था हमने, ये हमने रख लिया है। अभी हम ब्रेकफास्ट करेंगे थोड़ी देर में। और ये खेत का काम चला हुआ है, पापा ट्रैक्टर चला रहे हैं, देख सकते हैं आप। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि आजकल चला हुआ है खेतों में काम, तो हमें भी आजकल बहुत सारा काम होता है। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग है बेहद ही खास, बहुत ही इम्पोर्टेंट। इसमें आपको एक बहुत ही खास चीज़ बताई जाएगी, तो आप इसको स्किप मत कीजिएगा, तो इसको ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो हम सिर्फ और सिर्फ अपने सब्सक्राइबर के लिए लेके आए हैं। तो साथ में आपको दिखा दूं मैं ये आसपास का एरिया और साथ में नज़ारा। यहाँ पे देखिए, जो भी पत्ते वगैरह गिरे हुए थे उन सबको जला के रख दिया है, क्योंकि खेतों की साफ सफाई करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आज का ब्लॉग मैंने बताया बेहद ख़ास है, तो वो क्यों है तो आइए मैं आपको बताती हूँ। तो ये जो आप पौधा देख रहे हो, ये है बकार का पौधा, इसको बकार ही बोलते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है पौधा। इसकी जो पत्तियां हैं, इसके आप साग या भल्ले कुछ भी बना सकते हो। और ये किस लिए इम्पोर्टेंट है? क्योंकि किसी को भी कोई खुजली वगैरह एलर्जी हो तो वो उसके लिए इम्पोर्टेंट है। और ये जो पौधा है, ये है कुरंट का पौधा। यदि किसी गाय भैंस के थन वगैरह में कोई प्रॉब्लम, सूजन या सड़न वगैरह होती है, तो इसको लगाते हैं वहाँ पे। तो ये दोनों ही पौधे बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, तो हमारी लैंग्वेज में तो इसको कुरंट ही बोलते हैं। ये जो है देखने में कुछ इस तरह का होता है। और जो दूसरा पौधा मैंने दिखाया था वो एलर्जी के लिए बहुत लाभदायक है। किसी भी आदमी को अगर किसी भी प्रकार की एलर्जी होगी तो वो इसको लगा सकता है, चाहे वो इसे नहाने वाले पानी में डालें, या चाहे उस पौधे के पत्तों को पीस करके एलर्जी की जगह में लगा दें। बहुत लाभदायक होता है और बहुत ही जल्दी एलर्जी से आराम भी हो जाता है। तो हमारी साइड तो ये पौधे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होते हैं और लोग इनका यूज़ भी करते हैं। ये कोई ऐसी ऐरी गैरी चीज़ नहीं है, बहुत इम्पोर्टेंट पौधे हैं। तो ये हमारे अपने खेतों में घास के मैदानों में लगे हुए हैं। तो
तो पिछले ब्लॉग में हमने बताया था जहाँ हम घास काटने गए थे, तो ये दोनों पौधे भी वहीं पे पापा ने लगाए हुए हैं। आपको किसी भी प्रकार की एलर्जी होगी तो आप बकार के पत्तों का यूज़ कीजिए, इसको सिर्फ बकार कहते हैं। और ये जो है हमारी एक गौशाला है जो हमारे खेतों में है निचली वाली साइड, तो ये गौशाला जो थी दादी माँ की थी, उन्होंने खुद अपने लिए बनवाई थी। तो अब हमारा काम हो गया है बिल्कुल ख़त्म, तो अब हम जा रहे हैं घर की साइड। तो सुबह सुबह का ही टाइम है, हम लोग अपना काम ख़त्म करके घर की साइड को जा रहे हैं। तो सुबह सुबह काम करना अच्छी बात होती है, एक्सरसाइज भी हो जाती है और धूप से भी बचाव हो जाता है, ताकि धूप में बाद में हम काम ना करें, इसलिए हम सुबह ही आ जाते हैं। और साथ में दिखा देती हूँ मैं अपने क्यारियों की खीरा। तो ये जो है खीरे की बेल है, इसमें जो है खीरे लग चुके हैं। और ये जो है घिया है, घिये की बेल है, तो इसमें भी फूल पड़ गया है और छोटे छोटे घिये भी लगना शुरू हो गए हैं। तो आजकल तो हमारे मजे हैं, हम अपने ही घर की साग सब्जियों का प्रयोग करते हैं। ये देखिए कितनी सारी खीरे लगे हुए हैं। और यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ एक छोटा सा घिया जो कि लगा हुआ है, कुछ दिनों में ये भी बड़ा हो जाएगा। और साथ में ये हमारे सेब का पेड़ जो कि दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो ये पौधे जो हैं कम से कम 100 पौधे पापा ने खुद लगाए हैं। तो आइए मैं आपको घुमा लेती हूँ एक बार अपने घर के आसपास के नज़ारे के साथ। तो ये देखिए यहाँ भी सेब का पेड़ लगा हुआ है और खेतों में फैले ये हरे हरे ग्रीन ग्रीन पत्ते अरबी के बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं। और यहाँ दूसरी साइड भी पापा ने खीरे की बेल लगाई है, तो यहाँ भी काफ़ी मात्रा में खीरे लगे हुए हैं। तो ये पेड़ के साथ इसलिए सेट कर दिए हैं ताकि बेल जो है पेड़ से चिपक जाए और अच्छी तरह से इसकी ग्रोथ हो जाए। और ये हमारी फ्रेश बीन है। और ये है नाशपति का पेड़, ये भी हमारे घर के सामने ही है। तो मतलब गांव वाला घर तो खजाना है हमारा, क्योंकि यहाँ हर वो चीज़ है जो कि एक आदमी को चाहिए होती है। और साथ में ये लगी हुई है कद्दू की बेल। और ये है हमारी स्ट्रॉबेरी। तो आइए दिखाती हूँ कि स्ट्रॉबेरी में भी लगा है कुछ या नहीं। तो देखिए स्ट्रॉबेरी में भी लग गया है फूल, कुछ दिनों में ये भी स्ट्रॉबेरी देना शुरू कर देंगे। तो ये हमारे नया घर है और नए घर की टाइल्स कुछ इस तरह की हैं। तो हमारे कुछ सब्सक्राइबर की डिमांड थी कि अपने घर की टाइल्स वगैरह भी शो करिए, तो हमने इसी तरह से इस कलर की टाइल्स अपने घर पे लगाई है। और ये है शाम का नज़ारा जो कि पिछले कल का था।
सूरज जो है छिपने लग गए हैं। और छिपता हुआ सूरज कितना सुंदर लग रहा है, पीछे लाली लाली दिखाई दे रही है। और ये है हमारे सड़क वाले घर की टाइल्स, ये हमारे गांव वाला घर नहीं है, ये ऊपर वाला घर है सड़क वाला। तो इसमें हमने इस तरह की टाइल्स का प्रयोग किया है। और मौसम बिल्कुल साफ है आज का। तो कुछ इस तरह का है आज का सुबह का नज़ारा। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और जो भी मैंने आपको दो औषधियाँ बताई वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो मेरे किसी भी भाई बहन के लिए ये फ़ायदेमंद हो सकती है। अगर आपके आस पड़ोस में ये चीज़ हैं तो आप इनका प्रयोग ज़रूर करें। और ये हमारे घर की बाहर वाली साइड की टाइल्स हैं, इसमें हमने इस तरह की टाइल्स लगाई हुई हैं। ये बिल्कुल पत्थर के जैसे दिखाई देती है, जैसे मानो पत्थर से बनाया हुआ है ये घर, लेकिन ये टाइल्स लगाई हुई हैं बाहर पूरे घर में। और कुछ रूम्स में हमने इस तरह की टाइल्स लगाई हुई हैं। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में था बस इतना ही। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।